हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ड्रीम होम। और आज मैं आप लोगों के लिए 15 बाई 35 फिट का एक होम प्लान लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि यह प्लान आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इसका 3D देख लीजिए। और ये देखिए, इसका एक्सटीरियर लेआउट है, बाहर का डिज़ाइन है। बाहर का डिज़ाइन आप लोगों को भी देख रहे हैं, इसका वॉक थ्रू देख रहे हैं, तो देख लीजिए। बाद में मैं इसका प्लान दिखा के आपको समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और तो दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है, तो एक लाइक कर दें और इस वीडियो को आप लोग देखते रहें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह इसका रियर व्यू है जो बैक साइड का है, और यह भी है साइड व्यू आप लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत तो मेहनत करना पड़ता है इसको बनाने के लिए, बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग जो है अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें मेरे चैनल के ऊपर, और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग लगातार मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं। इस प्यार के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, पता चलता है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत पसंद करते हैं। यह देखिए, इसका जो है फ्रंट व्यू है। अब आप लोग फ्रंट व्यू देख लीजिए, उसके बाद हम इसके अंदर चल के इसके अंदर का लेआउट आपको मैं समझाता हूँ। ये जो पोर्शन देख रहे हैं बाहर, यहाँ पर आपका सीढ़ी लगेगा और यहाँ से एक लेफ्ट साइड से अभी देखिए, यहाँ से हम एंट्री करेंगे जो है, यह गेस्ट रूम है। देखिए, अभी हम गेस्ट रूम में आ रहे हैं और देखिए गेस्ट रूम में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, एक जो है टीवी का लेआउट किया गया है और यहाँ पे सोफ़ा का जो है एडजस्टमेंट किया गया है और कुछ चेयर रखा गया है, मीन्स चेयर का भी लेआउट किया गया है, फर्नीचर लेआउट किया गया है। देखिए, एक सीनरी यहाँ पर लगाया गया है जो इसके घर में चार चांद लगा रहा है। और यहाँ पे देखिए, एक एलईडी टीवी है। और अब हम आगे बढ़ते हैं डाइनिंग एरिया में। यहाँ पे देखिए, डाइनिंग टेबल और चेयर का जो है अरेंजमेंट किया गया है, देख सकते हैं कितना खूबसूरती से देखिए। और यहाँ पे देखिए, भगवान जी की तस्वीर भी लगाई गई है। और डाइनिंग हॉल में ही एक वॉश बेसिन दिया गया है। चलिए, यह देखिए ओपन किचन है और कितना खूबसूरती से किचन जो है बनाया गया है। आप लोग देख रहे हैं कि कितने अच्छे से लेआउट किया गया है, तो एक लाइक तो बनता ही है, तो तुरंत एक लाइक कर दें। और चलिए, अब हम लोग बेडरूम का लेआउट देख लेते हैं। तो देखिए, बेडरूम का लेआउट है और इसमें बेड का जो है अरेंजमेंट किया गया है। ये देखिए, कपबोर्ड है जिसमें कुछ बुक्स वगैरह रखे गए हैं। और इसमें भी देखिए, एक सीनरी लगाया गया है तो इसको जो है एकदम मनमोहक बना रहा है बेडरूम को। देखिए कितना अच्छा है डिज़ाइन किया गया है, देख सकते हैं। और अब देखिए, यहाँ पर भी कुछ जो है तस्वीरें जो है लगाई गई है जो इस रूम को चार चांद लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो है इसके साथ वे जो बाथरूम है, बाथरूम का लेआउट देख लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए दोस्तों, यह जो है बाथरूम है और इसमें देखिए WC सीट का लेआउट किया गया है। और इसमें दो टैब लगाया गया है, एक गर्म पानी के लिए और एक ठंडा पानी के लिए। और एक जो है बकेट भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो लेआउट है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप लोगों का कोई डाउट नहीं होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह इसका लेआउट प्लान है और इसका साइज़ है 15 बाई 35 फिट का। और इसमें फर्स्ट में स्टेयर केस दिया गया है और उससे लगा हुआ है जो है ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम से हम आगे बढ़ेंगे तो हॉल है और उसके राइट साइड में ही किचन दिया गया है। एक जो है टॉयलेट दिया गया है और टॉयलेट के पीछे OTS दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। और इसमें एक बेडरूम है और जिसमें कि देखिए पूरे घर में फर्नीचर का लेआउट कितने अच्छी तरीके से किया गया है और कितना सुसज्जित किया गया है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोग अपना कमेंट्स करके बताइए कि प्लान कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कुछ कमी है तो बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो इस प्लान को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।